देखिए उड़ीसा हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है। आपने देखा ये रोड पे यहाँ पे कितनी डीजल की गाड़ियाँ थ्री व्हीलर चलते हैं, कितने ज़्यादा चलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको चेंज करें, चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों की जान जाती है बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी पोल्यूशन की वजह से, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट यहाँ की बहुत प्रोएक्टिव है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत प्रोएक्टिव है। उसके अंदर क्यों बोल रहा हूँ प्रोएक्टिव, क्योंकि उन्होंने स्टेट लेवल की सब्सिडी अनाउंस करी है। स्टेट लेवल सब्सिडी हर स्टेट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे थ्री व्हीलर्स के लिए 30,000 रुपये तक की, 30,000 रुपीज़ की सब्सिडी अनाउंस करी है स्टेट गवर्नमेंट ने। सो दे आर वेरी प्रोएक्टिव एंड वी आर होपिंग दैट अलॉन्ग विद दिस पार्टनरशिप दैट वी हैव विद द ज्योति ग्रुप वी विल ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। बहुत सारी सिटीज़ कवर करनी है, अभी तो शुरुआत हुई है यहाँ पे, बहुत पेनिट्रेशन है यहाँ पे थ्री व्हीलर्स का और हम उसको पैसेंजर और कार्गो दोनों में चेंज करना चाहते हैं। अभी कार्गो है, कार्गो कई वेरिएंट्स में आती है, करीब 7 या 8 वेरिएंट्स हैं डिपेंडिंग ऑन साइज शेप। इससे थोड़ा सा पैसेंजर व्हीकल हो सकता है इस महीने या अगले महीने, आप लोगों को अलग से बुलाएंगे उसके लिए, आपको दिखाएंगे गाड़ी। वो एक अलग पैसेंजर व्हीकल है थ्री व्हील्स पे, लेकिन बनाई ऐसे शहरों के लिए जहाँ पे वो यूज़ इस तरह से हो जिस तरह की यहाँ पे यूज़ होती है। आप देखते हैं कितने लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में, उस तरीके से बनाई गई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी वो चीज़ कर सकती हैं, लेकिन 1/4 दाम वो ज़रूरी है। 4 रुपये किलोमीटर की जगह 92 पैसे किलोमीटर, 92 पैसा पर किलोमीटर, ये मेरी गाड़ी देगी। देखिए ईवीज़ के अंदर थ्री व्हीलर मार्केट में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है। कार्गो में 18% ऑलरेडी हो चुका है, पैसेंजर में थोड़ा कम है, तो 25 से 26% तो पेनिट्रेशन हो चुका है, जो कि बहुत हाई है। बाकी सब में 1-2% नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ ई रिक्शा भी चलते हैं, तो लोगों को पता है कि थ्री व्हील्स पे बड़े आराम से गाड़ियाँ चलती हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, चार्जिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 20 लाख ई रिक्शा हैं हिंदुस्तान में, 20 लाख हर रोज़ चार्ज होते हैं, एक बार नहीं 2 बार चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं किसी ने पता करने की कोशिश करी? आराम से चार्ज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो चार्ज होते हैं तो मेरी गाड़ी और आराम से चार्ज होगी, 150 किलोमीटर देगी, लेकिन 10 साल चलेगी, वारंटी देता हूँ मैं। दिखाइए कोई रिक्शा वारंटी देता है 5 साल की, 5 साल की गाड़ी बैटरी सब मिला के वारंटी। तो फ़र्क ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ही फ़र्क हो, और ये मार्केट तो अब ग्रो करना शुरू हुआ है। अब देखिए पेनिट्रेशन है, वी आर ऑलरेडी इंडिया नंबर 2 इन कार्गो इलेक्ट्रिफिकेशन में, नंबर 2 ऑलरेडी जी जी जी। अब हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो पार्टनर हम लें वो दूरदर्शी होने चाहिए, उनका विजन होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं साथ मिलके। हम तो सपोर्ट करेंगे हमेशा, हम लोगों का हमेशा से ये रहा है। अब इस तरह के लोग हमें मिले हैं, मतलब देव ज्योति जी और अमन जी, की आगे चल के हमें यही करना है, इसी के साथ ग्रो करना है, इन्हीं के साथ आगे जाना है, समझना है क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नई गाड़ियाँ बनानी है। वो सब चीज़ साथ में करते हैं हम लोग पार्टनर्स के, हमेशा हर जगह अलग अलग नीड होती है, और ये नीड ऑन ग्राउंड जो हमारे पार्टनर्स हैं वही समझते हैं। हम बेंगलोर में बैठ के कैसे बताएंगे कि साहब भुवनेश्वर कटक कोणार्क काम किस तरह की गाड़ियाँ चलेंगी, ये बताएंगे? इसलिए रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। अभी अभी तो लॉन्च हुआ है, टारगेट्स हम लोग कभी, हम लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। विजन लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे 1,000 गाड़ी बेच लूँगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। अगर माइंडसेट नहीं चेंज कर पाया लोगों का तो मैं खुश हो ही नहीं सकता। उस माइंडसेट को चेंज करने, नहीं मैंने कोशिश करी इलेक्ट्रिक खरीदने की और नहीं, मेरे हिसाब से तो, और मैं ये चाहूँगा हम लोगों की पार्टनरशिप के साथ, डीजल खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों खरीद? कोई बजट तो हो। हम लोग तो इस समय देखिए, हम लोगों की 32 डीलरशिप हैं, आई थिंक थोड़ी बहुत स्टेट्स छोड़ के ज़्यादातर स्टेट में कम से कम एक डीलरशिप तो है ही हम लोगों की। 58 सिटीज़ में हम लोग बेचते हैं इस समय, तो हमारी गाड़ी लोग खरीद के अलग सिटीज़ में चला रहे हैं। हम लोग सर्विस सेंटर्स ऑर्गेनाइज करते हैं उन सिटीज़ में, करीब 100 से ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं हमारे, जिससे कि उनको आराम से जी। मंथली सेल्स, मैं यूजुअली मंथली सेल्स की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उसमें जाके, वाहन पोर्टल है उसमें आप जाके देख सकते हैं, 375, 400 के आसपास हम लोगों की रहती है, इसीलिए हम लोग नंबर 2 हो पाए हैं। नंबर 2 है एक ऐसी फील्ड में जहाँ पर सब लोग हैं, सब लोग बेच रहे हैं, इसका कुछ मतलब है। हमारी सिर्फ 32 डीलरशिप है, बाकियों की तो 350-400 डीलरशिप है, लेकिन फिर भी करके दिखा रहे हैं, ये ज़रूरी है।
प्रोडक्शन फैसिलिटी है हमारी बैंगलोर के बाहर, एक सिटी है मालूर करके, कर्नाटका में ही है मालूर, उसके अंदर हमने 300,000 स्क्वायर फुट का प्लांट और वेयरहाउस सेटअप किया है। पिछले साल ही फंक्शनल हुआ है, उसकी कैपेसिटी है 55,000 गाड़ी साल की बना गई, एक जगह से 55,000 गाड़ी। हम लोग आजकल के लिए नहीं है, मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्प्रेड करना, गाड़ी तो बेचनी है साथ में माइंडसेट चेंज करना है कि बदलाव लाने के लिए ज़रूरी है, और हम अपनी गाड़ी से ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो एक ऐड था बहुत पुराना कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी सेल स्टील, वी मेक चैम्पियंस, वी ऑल्सो सेल स्टील, तो वैसे ही हम लोग घर, वी आर हेयर टू सेव लाइव्स, वी ऑल्सो मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो कहाँ खुल रहा है, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो हम लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ दूरदर्शी होना पड़ेगा कि मैं जानता हूँ कि ये चेंज होगा। अब मैं जबरदस्ती करके किसी को ये बोलूँ भाई साहब 20,000 का डिस्काउंट ले जाइए गाड़ी मेरी खरीद लीजिए, मैं वो नहीं करता। वैल्यू समझ में आनी चाहिए, जिस दिन वैल्यू समझ में आ गई, इसीलिए हम वो डीलर को दिखाते हैं जो टेस्टिमोनियल्स हैं, इस टेस्टिमोनियल के बेसिस पे आदमी को लगता है कि हाँ मैं उतना ही लोड खींचती है, क्यों मैं दे रहा हूँ 4 रुपये, और जिसके पास टाटा एस है या उस तरह की गाड़ी जो है 4 व्हील कमर्शियल व्हीकल जो चला रहे हैं 8 रुपये किलोमीटर पर 92 पैसे पे दे रहा हूँ उतना ही लोड, 90% जो कि 4 व्हीलर पे होता है वो 3 व्हीलर पे कर दिया। 3 व्हीलर आसान है चलाना, छोटी जगह में यूटर्न हो जाता है, पतली नैरो गलियों में निकल जाती है। नहीं हमारे खुद का तो है ही, मैं तो फाउंडर इन्वेस्टर वो हूँ, हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे मार्की इन्वेस्टर्स इंडिया के, इंक्लूडिंग रिलायंस, रिलायंस इज आल्सो इन्वेस्टेड इन अस। किंतु मूव से क्वालिटी हमें यही सेगमेंट हमें प्रथम हो जो कमर्शियल कार्गो सेगमेंट रे ज्योति मोटर्स केबे फसी मतलब से सेगमेंट ऑफ कस्टमर को केबे कैटर कर जितने आम खाली यहाँ गोटे बिजनेस आम नुह एटा आम कि गोटे टार्गेट नहीं कि गोटे बेपार आरंभ करूँ कि डीलरशिप नहीं नु कि फ्रांचाइज नहीं नु आम गोटे अल्टीग्रीन सहित एवं डॉक्टर अमिताभ सहित हाथ जोड़ी कि आम कमी मिसिकी गोटे आगु को गोटे भल एनवायरमेंट क्रिएट कर पारे ए ब्रिदेबल एनवायरमेंट क्रिएट कर पारे फॉर फ्यूचर जेनेरेशन से ही मिशन ने आम अच्छे तेणु से ही मिशन को जितना आम से ही चिंताधारे गले से चिंताधारा को लेकिन जितना आम खोजा आरंभ कले कि कंपनी सागर आम हाथ जोड़ी हेल्ले बिकज आम होशार नंबर वन ऑटोमोबाइल कंपनी ओडा नु ईस्टर्न इंडिया नंबर वन ऑटोमोबाइल कंपनी तेणु आम मसकु 1,000 रु अधिक गाड़ी ओडा बिकुचु किंतु एना आम यू आम कौन यही सेगमेंट रे पहुँचे जोटा गोटे छोट सेगमेंट बोली लोक भावुंटे बहुत लोग भी एक कथा पचार आप कौन ये कार्गो सेगमेंट 3 व्हीलर सेगमेंट रे पशिले आम यहीपाई पशिलु बेसिक रीजन हूँ 3 व्हीलर सेगमेंट गोटे सेगमेंट जे सब अधिक पल्यूशन एनवायरमेंट रे क्रिएट करे आम जदि गोटे प्रयास को गोटे क्लीन एनवायरमेंट रो प्रयास को जब आम चेस्टर आम गोटे मिशन ने आम जा गोटे 3 व्हीलर कंपनी को लेकिन आम जापर कौन आरंभटा से हम तेणु से ही प्रयास कले डॉक्टर अमिताभ सहित कथापर आम बुझिपाल कि मिशन आम मिशन हूँ सामान एवं से ही मिशन ने आम दिज हाथ में लेकिन आगे जा देखो मोर मिशन गोटे हम मोर पर्सनल मिशन हम कि लोक केमी डीजेल 3 व्हीलर एवं पेट्रोल 3 व्हीलर व्यवहार करने बंद करूँ एवं इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक कार्गो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर नहीं कि बेपार करूँ कि घर चलातु जपर्त से आम मिशन टाक आचिव करूँ से मोर चेष्टा सदा बेल रही ओडिशा रे मते जहाँ करिवाको पड़िबो एवं अल्टीग्रीन को आखि आगे रखी तांको प्रयास को आखि आगे रखी आमे चेष्टा करिबो।